वरम दिया गया। वरम में आई जनता को देखते हुए आगे की जो रणनीति है, आपने क्या क्या तय किया है और जनता को क्या विश्वास है, क्या भरोसा लेते हैं? रणनीति इस चुनाव की जनता खुद तय कर रही है, कल क्या करना है, आगे का क्या माहौल बनाना है, आगे कैसे लोगों को बुलाना है। ये मैंने किसी को फोन करके नहीं कहा, ये प्रेम है, ये इनका अपनापन है, ये बेटे के प्रति प्यार है। निश्चित ही कल्याणपुर में जो कार्यालय के उद्घाटन में जो आशीर्वाद देने पधारे सतीश जी कौम के, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, दलित के बेटे, उनसे ये निश्चित हो गया कि पसपदरा बदलाव की ओर चल पड़ा है और निश्चित ही दोनों बड़ी ताकतों को भगाने के मूड में है। देखो, तीसरा मोर्चा जो है वो जनता के बनाए हुआ मोर्चा है। ये जो दो पार्टियां है, एक तो भ्रष्टाचारी, एक वंशवादी, पसपदरा की जनता ने तय किया है भ्रष्टाचारी और वंशवाद को मिटाकर संघर्ष और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक किसान के बेटे को विधानसभा में भेजना है। मैं हमेशा स्पीच अपने भाषणों में कहता हूँ, अगर भ्रष्टाचारी विधायक जीता तो कोई आपकी चर्चा नहीं होगी, उल्टा कहेंगे भ्रष्टाचारी को जिता दिया। अगर पूर्व राजस्व मंत्री का बेटा जीता तो बोलेंगे पसपदरा वाले इतने कैसे कमजोर हो गए जो वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर संघर्ष करने वाले या किसान का बेटा जीता तो पूरे भारत सहित राजस्थान में हर मीडिया चैनल और पूरे जगह पर प्रशंसा होगी कि पसपदरा वाला ने जिसके खाते में 15,000 रुपये थे चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल थी, उस किसान के बेटे को जिताकर भेजा जो न्याय की लड़ाई दिन रात सड़क पे लड़ रहा था। और पूरी ओर से आपकी प्रशंसा होगी कि स्वाभिमान और जमीर कहीं जिंदा है तो पसपदरा बालोतरा बालाणी की धरती पर है। इसी वजह से यहाँ पर जो जगह जगह आप देख रहे हो जन आशीर्वाद मिल रहा है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब जगह से प्यार और आशीर्वाद अपार मिल रहा है। पसपदरा व्यवस्था परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले नंबर पर पसपदरा का किसान जीत रहा है, पसपदरा का मजदूर जीत रहा है, पसपदरा का दलित जीत रहा है, पसपदरा का वो हर युवा जीत रहा है जिन्होंने बेरोजगार होते हुए दर दर की ठोकरें खाई है, पसपदरा का हर वो महिला जीत रही है जिसने पानी के लिए संघर्ष किया, पसपदरा का हर वो गौ माता का भक्त जीत रहा है जिसने लंपी में असुविधाएं देखी, पसपदरा का हर वो प्रवासी भाई जीत रहा है जिसने कोरोना में तकलीफें देखी, पसपदरा का हर वो औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाला मजदूर जीत रहा है जिसने तकलीफें देखी, पसपदरा का हर वो व्यापारी जीत रहा है जिसने अपने औद्योगिक जगत को कमजोर होते हुए देखा, पसपदरा का किसान और पसपदरा का बेटा फान सिंह डोली सबके आशीर्वाद से कारवा लेकर चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा पसपदरा की देवतुल्य जनता से, आप इस उम्मीद को, इस जोश को बरकरार रखना और 25 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में मतदान करना और किसान के बेटे को विजयी बनाना।